हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग एंड आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। सो गाइस, आज मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैक्रोनी की। और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी रख दी है और उबालने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये मैंने लो फ्लेम में रखा है और साइड बाय साइड मैंने जो है वेजिटेबल कट करके रख दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेजिटेबल है मेरे पास, मैंने लिए हैं जो मेरे पास अवेलेबल थे वेजिटेबल, मैंने वो लिए हैं। तो आपके पास भी जो आपके पास है वो आप ले सकते हैं। और ये है मैक्रोनी जो कि सूजी की है। हम बहुत सारे डिफरेंट ट्राई करते हैं, जैसे मैदा हो गया, आटा हो गया, बट यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी की मैक्रोनी। और मैंने यहाँ पे पैन में डाल दिया है ऑयल। आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और रिफाइंड ऑयल भी। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं राई। आप यहाँ पे जीरा भी ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे राई ऐड करिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन और जो हमने गार्लिक और जिंजर कट करे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको काफ़ी टाइम तक चलाते रहेंगे जब तक वो एकदम ब्राउन ना हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च। और मैं इसमें कोई केचप और मेयोनीज ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक टेस्ट लाता है। सो आप ज़रूर ऐड करें दो चीज़ों को, मेयोनीज और केचप। और मैं इसकी जगह कर रही हूँ टमाटर की प्यूरी, यहाँ पे ऐड कर दी है मैंने। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी वन बाय वन वेजिटेबल जो हमने कट करी है। सो आप देखते रहिए आगे का ब्लॉग। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर आल्सो। और अब हम इसमें वन बाय वन सब्जी ऐड कर रहे हैं। और सो इसे हम लो फ्लेम में ही पकाएंगे। और इसमें अब हम ऐड करते हैं मसाले, जो घर के जो मसाले होते हैं जो हम डेली उसमें यूज़ करते हैं, वही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। सो गाइस, इसे हम लो फ्लेम में ही पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। और इसमें हम ऐड करेंगे वन बाय वन जो घर के मसाले होते हैं वही इसमें हम ऐड करेंगे। आप एक्स्ट्रा कोई मसाला है उसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं वन बाय वन मसाले ऐड कर रही हूँ उसमें। और जो घर के मसाले हैं, आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो रेड चिली है वो आप कम से कम यूज़ करें, उसकी जगह आप नॉर्मल जो हरी मिर्च होती है वो डाल सकते हैं एकदम बारीक काट के। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा मसाले में लिया है मैगी मसाला, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सो गाइज, आप इसमें केचप वगैरह ऐड कर सकते हैं और मेयोनीज, बट मैंने स्किप किया है, बट आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा स्वाद नज़र आएगा। और ये है मैक्रोनी जो कि मैं इसमें ऐड करूंगी।
सो गाइस यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पनीर के क्यूब्स। आप ये ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जिनको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। पनीर एक अच्छा सा टेस्ट लेके आएगा आपके जो खाने में जो मैक्रोनी हम बना रहे हैं। और ये एक एडिशनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं। मेरे पास पनीर क्यूब्स पड़े हुए थे तो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। सो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और आप भी ऐसी बनाइए अपने घर में, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने आप भी खाइए और इंजॉय करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और